चिलम की तरफ से आ रहे हैं, तो इस रॉक पे खड़े होके आप इसका नजारा करें तो आपको इससे नजारा जो किसी और जगह नहीं मिलेगा। और ये जो वेदर हम अभी आए हुए हैं ना, ये जून है, आज जून की कौन सी तारीख है, एंड ऑफ वीक ऑफ 26th, लास्ट वीक ऑफ द जून है, वेदर क्लियर होता है। और मैंने खुद जाती तौर पे इतना क्लियर वेदर यहाँ पे आज तक नहीं देखा। तो आपने अगर देवसाई को इस तरह देखना हो तो बेशक, कुछ लोग ऐसे हैं ना, हम खुद भी खुश होते हैं देवसाई में बर्फबारी होगी, बर्फबारी तो हर जगह देखते रहते हैं, लेकिन ये व्यूज मैंने आज तक 5 दफा विजिट किया नहीं देखे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकअल्लाह। जी हम देवसाई में एंटर होने लगे हैं चिलम चेक पोस्ट से, तो यहाँ पे जो चीज़ें इधर हैं चिलम में, चिलम चेक पोस्ट अभी ये वाली है, इसके बाद शोसर लेक 18 किलोमीटर, काला पानी 28 किलोमीटर, बड़ा पानी 38 किलोमीटर, शतोंग नाला 48 किलोमीटर, फिर ये एंड हो जाता है इसका ऑलमोस्ट अली मलिक पे, और फिर सतपारा चेक पोस्ट है आगे जो एंड है, यानी जिसके बाद फिर जो है वो स्कर्दू स्टार्ट हो जाता है। सतपारा चेक पोस्ट वो है जिसका आपको मैं फिर दूसरी साइड वाले व्लॉग में इसका क्लिप दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है वो मर्मट्स हैं और ब्राउन बियर्स, देसाई आप तो देवसाई में पहली दफा जा रहे हैं? देवसाई अच्छा, शोसर तक आपने ये क्रॉस नहीं किया हुआ, क्रॉसिंग आज पहली दफा होगी। गुड, ये यहाँ पे एंट्री होती है और इसका एंट्री टिकट भी है देवसाई का, और ये 300 रुपये पर हेड है, और ये बस नॉमिनल से चार्जेस हैं, सिर्फ इस वजह से कि इसकी मेंटेनेंस रोड वगैरह की और सारी चीजें, बाथरूम शाथरूम। हाँ जी, चलिए थैंक यू। नीचे चिलम चौकी और जो वैली आपको नज़र आ रही है ये मिनी मार्ग को रास्ता जाता है, वो वैली है, पीछे सारा रोड जहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं देवसाई वाली, चिलम वाली साइड से देवसाई प्लेन से। ये ज़ाहिर साहब और अपना वासिफ भाई और रज़ा उस्ताद हाइकिंग कर रहे हैं, मेरा तो सांस भी फूल रहा है, ज़ाहिर भाई का सांस फूल रहे नहीं फूल रहे, इनसे ज़रा पूछेंगे। अभी हम आया हुआ सोसर लेक का जो पीक है, पांचवी दफा देवसाई आ रहा हूँ। जाहिर भाई साइंस फूल रहा है या नहीं? नहीं नहीं फूल रहा है, मेरा तो फूलेगा ना थोड़ा सा। हाँ हाँ, पांचवी दफा देवसाई आ रहा हूँ, इतना क्लियर वेदर आज तक नहीं देखा देवसाई का, नहीं देखा। अभी आपको पूरा तारफ कराते हैं इस जगह का। अच्छा जी, वासिफ भाई आपका क्या? मेरा दूसरी दफा देवसाई का। अच्छा जी, लेकिन वाला देवसाई ने ना हमेशा जो है बादलों से डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आज जो नांगा पर्वत का व्यू है ना, ब्रेथ टेकिंग, अमेजिंग। ये देखें नांगा पर्वत का व्यू यहाँ से, और अभी जो ख़ास चीज़ है जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, तो सामने ऐसे लग रहा है कि हम बिल्कुल प्लेन पे हैं,
आसमान पे। इसको ऐसी लैंड ऑफ गॉड्स तो नहीं कहते? ये देख वंडरफुल व्यू, सुभान अल्लाह। ओए ओए ओए, बिल्कुल दिल, बिल्कुल दिल। यहाँ से ये देखें दिल, पूरा देवसाई क्लियर नजर आ रहा है। और ये शोसर लेक का व्यू है। थोड़ा सा होगा आपको क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी कम है तो सांस फूलते हैं। डॉक्टर फैज साहब यहाँ पे अभी आप अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये शोसर लेक देखें और फिर देवसाई के बारे में। सर ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये अगर आप चिलम की तरफ से आ पाएँ तो ये सबसे खूबसूरत तरीन एक स्पॉट है, जिसमें सबसे अच्छा जो व्यू है आपका शोसर लेक के ऊपर, एक छोटा सा एक रॉक बनी हुई है उसके ऊपर आप खड़े होकर देखें तो आपको जो नांगा पर्वत है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल पोजीशन में ऐसे लगता है कि बहुत ही आर्टिस्टिक अंदाज में, जैसे आपने खुद वहाँ पे जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो खुद प्लानिंग के साथ की हो। इंतहाई खूबसूरत व्यू। और सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि अगर आप नांगा पर्वत का अच्छा व्यू लेना चाहते हैं बेस तक, यानी कि बहुत बड़ा व्यू हाइट वाइज आपको आए, तो इस जैसा व्यू जो है आपको किसी और डायमेंशन से नहीं मिल सकता सिवाय फेरी मेडोज के। ऐसा व्यू मैंने भी कहीं नहीं देखा, बिल्कुल यहाँ पे सामने है। और दूसरी ये बात है कि साथ आप ये देखें कि इसके साथ कितना ही कंट्रास्टिंग कलर है। उत्तर ऊपर बिल्कुल स्नो कैप्ड माउंटेन है और नीचे देखें ग्रे शेड है, और एक ऐसे लगता है कि जैसे आपने पेंसिल से और अपने चौक के साथ जो है ड्राइंग के साथ किसी पेंटिंग के साथ आपने ये कार्विंग की हो। उसके बाद जैसे आप हाइट जो गेन करते आते हैं चिलम की तरफ से, तो आप देखें अपने राइट साइड पे जो पहाड़ की शेप है, इट इज़ वंडरफुली के छोटी छोटी जो रॉक्स हैं वो इस तरह स्लाइड करके नीचे की तरफ आई हुई हैं कि जैसे इंसानों ने पीक पे जाके खड़े होके खुद स्प्रे करके ये चीज़ें जो है वो नीचे गिराई हों। ये चीज़ें सिर्फ नीचे गिरी नज़र नहीं आ रही बल्कि पूरे डिज़ाइन बने हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे एक टेक्सचर जो है वो बनाया गया है, और आप इसको क्लॉथ की डिज़ाइनिंग के लिए भी, क्लॉथ के फैशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कितना वंडरफुल कलर है, ग्रीनिश ब्राउनिश और साथ ही ग्रे शेड जो हैं उनका, तीनों का बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन जो है मिलता है। और मेरा नहीं ख्याल के आपको नेचुरली अंदाज में अगर किसी ने भी डिज़ाइन देखना है कपड़े का, टेक्सचर बनाना है किसी का, इससे बेहतर आपको और व्यू जो है वो नहीं मिल सकता। उसके बाद नाजरीन आप ज़रा नीचे की तरफ देखें, अगर आप इस रॉक पर खड़े होकर देखें तो शोसर लेक जो है उसका सर्टन हाइट से जो व्यू है इट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। सर इसको शोसर क्यों कहते हैं? शोसर बेसिकली जो है ना, ये कहते हैं अंधी लेक है, ब्लाइंड, यानी जिसका जो पानी है ना उसकी इनलेट आउटलेट उस तरह से नजर नहीं आ रही। आप यहाँ देख सकते हैं टॉप से इसकी इनलेट आउटलेट आपको कहीं से नजर नहीं आएगी, तो ये कहीं यहीं से पानी उबलता है शायद चश्मों का और फिर नीचे कहीं आउटलेट है, लेकिन पूरे में आप इसको देख सकते हैं कहीं से भी आपको इसकी इनलेट आउटलेट नहीं नजर आ रही, तो इस वजह से इसको शोसर कहते हैं, यानी अंधी लेक। वंडरफुल जी, अब आप देखें कि इसके एक जो शेड है इस वक्त आपको तीन चार शेड जो है वो नजर आए। एक नाजरीन जरा लिमिट देखिए इंसान की कि जो चीज़ आंख देख सकती है, जो चीज़ आप खुद महसूस कर सकते हैं अपनी जो फिजिकल प्रेजेंस के साथ, वो कैमरा, दुनिया का कोई भी कैमरा, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो आपको नहीं दिखा सकती। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आप आए यहाँ पे सर्टन हाइट पे आप खड़े होके देखें तो इंतहाई लश ग्रीन जो ग्रास है, मेरा ख्याल है ये ग्रास भी कुछ स्पेसिफिक इसी जो लेक के गिर्द है वो आपको नजर आएगा, और इसके अंदर से पानी जो है वो ट्रिकल होके छोटे छोटे पॉन्ड्स की शक्ल में फिर जाके इस झील के अंदर जो गिरता है, और जैसे जैसे एयर जो है वो टच करती है सरफेस ऑफ वाटर को तो उसकी जो शेड है जो बनते हैं
जिस जगह आप देखें कि किसी जगह आपको क्लाउड की रिफ्लेक्शन मिल रही है, किसी जगह जो ग्रीन सॉरी ब्लू जो आपका स्काई है उसका जो शेड मिल रहा है। अच्छा, इसका व्यू लेने के बाद दूर तक पूरा आपका ये तकरीबन 120 डिग्री का जो एंगल है, सारी की सारी जो पीक्स हैं वो आपको स्नो कैप फॉर्म में जो वो मिलेंगी। और इससे अच्छा जो व्यू है बड़ी लंबी रेंज का, कि जिसमें बहुत लंबी रेंज जो है आप माउंटेन की एंजॉय कर सकेंगे, वो भी आपको किसी और जगह नहीं मिल सकता। इट्स अ रियली वंडरफुल। इस वक्त सूरज के ज़्यादा चमकने से, यानी कि क्लाउड्स वगैरह नहीं है, तो जो व्यू है वो आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप झील पर जाने से पहले, अगर बेशक आप दूसरी की तरफ से आ रहे हैं या चिलम की तरफ से आ रहे हैं, तो इस रॉक पे खड़े होकर आप इसका नज़ारा करें तो आप